आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चंपावत उपचुनाव के आए नतीजे, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत, 54,121 वोटों से जीते सीएम पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की जमानत हुई जब्त। जी हां, उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया है। गौरतलब है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वोटों की गिनती के पहले राउंड में बढ़त बना ली थी। 13 चरणों में हुई मतगणना के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 54,121 वोटों से जीत दर्ज की है। उपचुनाव के 13वें राउंड तक हुई काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,147, बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को 57,268, सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409, निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 399 और नोटा के हिस्से में 372 मत आए। वहीं सीएम धामी की जीत से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ सीएम की जीत का जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधानसभा सीट से जीतना बेहद जरूरी था। अब जब उन्होंने सीट पर विजय जीत हासिल कर ली है तो सीएम धामी पद पर बने रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत मिलने पर जनता का धन्यवाद किया है। जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।